विद्यार्थी मित्रों, 11th इकोनॉमिक्स में प्रकरण 7 भारतीय अर्थतंत्र इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रस्तावना प्राप्त करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आप समझें कि भारत विश्व में सांस्कृतिक भाविता वाला देश है, यह इसकी विशेष लक्षणता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी लोकतंत्र शासन प्रणाली वाला देश है, जिसमें विविध जाति, धर्म, भाषा एवं संस्कृति के साथ विविधता में एकता का, यानी विविध लोग रहते हैं उसमें एकता का इसमें दर्शन होता है। और भारत देश की अगर बात करें तो इसका नाम महाभारत पुराण के आदि पर्व में प्रथम अध्याय में इसमें चर्चा किया गया उसके बारे में। तो वहाँ पर राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर रखा गया, ऐसा जानने को मिलता है। अब भारत जो है वह देश कृषि उद्योग और व्यापार क्षेत्र में सक्षम है, कृषि उद्योग और व्यापार, व्यापार यानी सेवा क्षेत्र में सक्षम या समृद्ध है। तो इसके कारण यह देश शुरू से ही धनवान देश था और इसे सोने की चिड़िया की उपाधि दी गई थी, या इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और भारत की इस समृद्धि से आकर्षित होकर के भारत पर कई बार आक्रमण हुए और भारत की तमाम धन संपत्ति को लूटकर धीरे धीरे भारत की सत्ता भी हासिल कर ली गई। सन 1526 से 1858 अर्थात 16वीं सदी की शुरुआत से 19वीं सदी के मध्य तक मुगल साम्राज्य का शासन अपने इतिहास में जानने को मिलता है। और वो शासन या तो पूर्ण था या तो आंशिक रूप से रहा। इसके अलावा भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए हुए फ्रांसीसी जाति, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज जैसे विदेशी लोगों का भी आगमन हुआ, जिनका मकसद था भारत में व्यापार करना। और उसके बाद अंग्रेजों ने 1757 से 1947 तक का जो समयकाल इनका है, तो उस समय इन्होंने शासन किया, जिसके अंतर्गत 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल रहा। और उसके बाद 1858 से 1947 तक का जो समयकाल था वो ब्रिटिश शासन का समयकाल था। तो अगर हम कहें कि अंग्रेजी शासनकाल का, तो 18वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के मध्य तक इसका शासन जो है भारत में रहा। तो आप देख रहे हैं कि प्राचीन समय से ही भारत पर कितने प्रकार से भारत के अंदर से लूट मचाई गई और भारत पर शासन किया गया, और भारत को हर तरह से जो है इसको व्यापार के बहाने या किसी अन्य बहाने की तरह जो है इसका उपयोग करके या दुरुपयोग करके और भारत का शोषण किया गया अलग अलग देश के जातियों के साथ। अब हम देखते हैं आगे प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया बोलते हैं प्राचीन भारत, इनके बारे में देखिए क्या है। तो प्राचीन भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है, प्राचीन भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। और प्राचीन भारत में दो महान प्राचीन संस्कृतियों का दर्शन होता है, और वो संस्कृतियां हैं, एक तो सिंधु घाटी की संस्कृति और दूसरा है आर्य संस्कृति। तो इनकी दोनों की मिलीजुली जो है यहाँ पर विश्व में संस्कृतियों का इनका मिला जुला समन्वय देखने को मिलता था। प्राचीन भारत जो है वो आर्थिक समृद्ध था, और आर्थिक समृद्ध में कृषि की विविधता एवं आधुनिकता वाला देश था। भारत के किसान साहसी और समृद्ध किसान कहे जाते थे। और भारत के अंदर मुख्य रूप से कपड़ा, पटसन, कोयला, नील, चाय, कॉफ़ी, रबड़ उद्योग, सूती कपड़ा उत्पादन पर निर्यात भी इसका अधिक होता था। तो इस तरह से उद्योग के माने में भी या निर्यात करने के माने में भी देश बहुत आगे था। और इसके बावजूद विदेश में या विदेश बाज़ारों में असुविधा के बावजूद भारतीय व्यापारी जल मार्ग के द्वारा विश्व में काली मिर्च मसाले, तेजपत्ता, सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा, गर्म कपड़ा का विक्रय किया करते थे। यानी इतनी असुविधा होने के बावजूद
भारत के व्यापारी जो है जल मार्ग का उपयोग करके अपना व्यापार या प्रसार बढ़ाते थे, और आर्थिक रूप से भारत जो है वह संपन्न था। और प्राचीन भारत की बात करें तो यह आर्थिक रूप से समृद्धता देखने को इसमें मिलती थी। इसके बाद आता है अगला पॉइंट है कि प्राचीन भारत का अर्थतंत्र कैसा था। तो प्राचीन भारत के अर्थतंत्र की बात करें तो पहला बात आती है रोजगार का ढांचा। तो आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में जो था वो कृषि प्रधान देश था, और कृषि प्रधान देश के साथ साथ वह खेती पर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी निर्भर थी, और ऐसा भी कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार ग्रामीण अर्थतंत्र पर निर्भर था। तो इस तरह से कृषि प्रधान देश होने की वजह से खेती पर निर्भरता, ग्रामीण अर्थतंत्र पर निर्भरता, ये प्राचीन भारत की रोजगार का ढांचा था। अब आता है कृषि, दूसरा पॉइंट है भारत की कृषि प्राचीन समय में समृद्ध थी, स्वावलंबी ग्रामीण क्षेत्र था यहाँ का, और भारत के जो किसान थे या भारत के जो लोग थे वह अनाज, सब्जी, फल, कपड़ा, जूता, पशुपालन इत्यादि में इनकी स्वनिर्भरता थी और स्वावलंबी थे। इस तरह से भारत के किसान या भारत का ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही समृद्ध माना जाता था। अब आता है उद्योग। उद्योग की बात करें तो इतिहासकार टी राय चौधरी के मतानुसार 19वीं सदी से पूर्व भारत ने जो है औद्योगिक उत्पादन में जो भारत देश था वो अग्रसर था, यानी औद्योगिक उत्पादन इसका उन्होंने अध्ययन किया था तो वो अग्रसर देश था, जिसमें सूती कपड़ा, मलमल कपड़ा का निर्यात हुआ करता था। इसके अलावा कच्चा रेशम, गर्म कपड़े, शॉल, ताड़पत्री, मूर्तियाँ, नील, इन सब का उत्पादन होता था और खूब पैमाने पर उत्पादन होता था और विदेशों में इसका निर्यात होता था। तो ये भारत की उद्योग की प्राचीन स्थिति है। अब आता है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र की बात करें तो लगभग 600 ईस्वी सन पूर्व विविध चिन्ह वाले सिक्के भारत में देखने को जानने को मिले, और शहरी विकास हेतु कामकाज हुआ ऐसा भी भारत के इतिहास में देखने को मिलता है, और इसका उदाहरण है लोथल में पाई गई नगर व्यवस्था। ये दर्शाती है कि भारत के अंदर जो है विविध प्रकार के चिन्ह वाले सिक्के और शहरी विकास का भी कामकाज हुआ था, यानी सेवा क्षेत्र में भी भारत आगे था ऐसा हम कह सकते हैं। और अंत में आता है आर्थिक समृद्धि, और आर्थिक समृद्धि के बारे में हम कहें तो यहाँ पर इतिहासकार अंगुस मेडिसन करके थे, उनके अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थतंत्र था। मौर्य राजा के शासनकाल में भारतीय अर्थतंत्र में अनेक महत्वपूर्ण और विकास लक्ष्य निर्णय लिए गए, और वह एक समय ऐसा भी था जब संपूर्ण भारत किसी एक राजा के आधिपत्य में था। और ऐसे देखा जाए तो 16वीं सदी मुगल शासन दौरान भारतीय अर्थतंत्र विश्व की कुल आय का 25% आय रखता था। तो इस तरह से 16वीं सदी के अगर देखें तो ये भारत की स्थिति थी, कुल आय में 25% आय भारत के पास रहती थी। और 17वीं सदी के अंत तक मुगल शासन का विकास होने से सन 1700 में औरंगजेब के शासनकाल में भारत की राष्ट्रीय आय 10 करोड़ पाउंड हुई, और इस तरह से भारत का वह स्वर्ण काल का समय कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको प्रकरण नंबर 7 और 7 के अंतर्गत भारतीय अर्थतंत्र में हमने दो टॉपिक का चर्चा किया, एक तो भारतीय अर्थतंत्र की प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, और दूसरा प्राचीन भारत के विषय में हमने जानकारी हासिल किया। और अब इसके बाद हम अगले वीडियो में भारत के जो है अगले पॉइंट या भारतीय अर्थतंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंदर स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थतंत्र कैसा था उसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार।